गुड मॉर्निंग हेलो हाय सुबोध जी महेंद्रप्रीत जी गुड मॉर्निंग राहुल दिमान जी गुड मॉर्निंग डीके के जी गुड मॉर्निंग सलीम खान गुड मॉर्निंग मधु जी गुड मॉर्निंग ये ठाकुर तविंदर तो जी भी गुड मॉर्निंग शेर सिंह राणा जी गुड मॉर्निंग अच्छे ब्रिजपाल सिंह गुड मॉर्निंग अमन हुसैन जी गुड मॉर्निंग प्रेम शंकर जी गुड मॉर्निंग ओके कुमार राज जी गुड मॉर्निंग अशोक तिवारी जी गुड मॉर्निंग फॉर एवर राहुल जी गुड मॉर्निंग नमस्कार सर जी गुड मॉर्निंग गुप्ता सर पारसनाथ जी गुड मॉर्निंग अरुण कुमार जी आपको भी गुड मॉर्निंग आशुतोष जी गुड मॉर्निंग पवन जी गुड मॉर्निंग अच्छा कृष्ण मुरारी जी गुड मॉर्निंग अरे वाह देवनारायण मंडल जी गुड मॉर्निंग वाह अरे वाह विक्रम कुमार जी थैंक्स पवन जी थैंक्स वाह प्रदीप कटियार जी गुड मॉर्निंग ऋषा जी भी गुड मॉर्निंग निखिल शारदा जी गुड मॉर्निंग और थैंक यू आनंद प्रकाश गुड मॉर्निंग राजीव जी गुड मॉर्निंग तेजी सिंह गुड मॉर्निंग सुनील कुमार नमस्कार संजीव जी गुड मॉर्निंग जैकी जी गुड मॉर्निंग अरे मनोज कुमार शर्मा जी गुड मॉर्निंग ममिता मैम गुड मॉर्निंग चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर का ये स्पेशल सेशन जो ऑनलाइन है आधे घंटे के लिए और स्टार्ट करने के पहले दो चार मिनट में कुछ बातों पे चर्चा करूँगा सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा नाम विवेकानंद तिवारी और बिहार पटना से बिलोंग करते हैं और इस फॉर की वंडरफुल करियर के साथ लगभग दस सालों का एक बेहतरीन सुखद अनुभव रहा है और फॉरेवर में आना तो कहीं ना कहीं गोड का एक प्लान होता है रास्ते अलग हैं मेरा भी रास्ता जो आया फॉरेवर के साथ जुड़ने का वो कुछ फैमिली हेल्थ की कुछ इशूस थे और हम न्यूट्रिशन की तलाश में थे और उस समय मैं एज ए गवर्नमेंट जॉब में था और पैसे से डॉक्टर और मुझे उस समय केवल और केवल फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां दिखती थी लेकिन पहली बार मेरी लाइफ में न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ में आई पावर ऑफ न्यूट्रिशन ने मेरी फैमिली को एक अच्छा सा हेल्थ दिया और मैं आज अपने आप को लक्की मानता हूं कि आज जो मुझे टॉपिक दिया गया वो भी पावर ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा दिया गया ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन अपने आप में एक अमेजिंग शब्द है बहुत व्यापकता के साथ है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं ये जो हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं जो पर डे दो ट्रेनिंग्स हो रहे हैं उससे ये हो रहा है कि हमारी जो शार्पनेस है जो हमारी एजुकेशन है वो तेजी से ग्रोथ कर रही है तेजी से ग्रो कर रही है और इस मामला में हम सभी एफ बी ओ लक्की हैं कि हमारे पास हमारे सीएसएम साहब हरीश सर जैसे बहुत बड़े विजनरी हैं और मैं स्पेशल थैंक्स कह रहा हूं जो हम लोगों को उनके सौजन्य से यह लाइव ट्रेनिंग मिल रहा है साथ में उनके साथ हम सभी मैनेजमेंट जो स्टाफ हैं फॉर के वो सारे लोगों का एक सम्मिलित प्रयास जो है यह फॉर को दिनों दिन एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है एक नए तरीके से लेके जा रहा है सो so, इसलिए मैं हम सभी एफ बी के तरफ से अपने कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर को थैंक्स कहते हैं ऐसी ट्रेंड्स को डिजाइन करने के लिए हम थैंक्स कहते हैं निकता मैम को और थैंक्स कहते हैं पूरे एफएलपी मैनेजमेंट को जो हमारे साथ ये चीजें आई बात हमने आज करनी है कुछ पॉइंट्स पे पॉइंट्स हैं हमारे पास दो तीन पॉइंट्स हैं पावर ऑफ न्यूट्रिशन की पॉइंट है कि न्यूट्रिशन की शक्ति क्या है और न्यूट्रिशन होता क्या है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है और सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिशन हमें मिलते कैसे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की पोषक पोषकता ये किसे जरूरी है तो एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरे पास पर्सनल अनुभव है अनुभव है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत है एक मानव शरीर की एक जीवित शरीर की एक न्यूट्रिशन की जरूरत है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दो तीन लाइन में तो एक डेढ़ मिनट में हम अपने शरीर को समझ लेंगे तो फिर हम उसको न्यूट्रिशन के पावर को समझा पाएंगे एक इंसान हम सभी इंसान मानव शरीर बने किस चीज से है एक कोशिकाओं से एक जीवित कोशिकाओं से सेल से बने हुए हैं और वो सेल से हमारा एक ह्यूमन बॉडी बनता है और वो और वो सेल्स में जो सेल्स के स्पेशल कैटेगरीज होते हैं उसके हिसाब से कुछ टिश्यूज बनते हैं सेल से और बहुत सारे टिश्यूज को मिला के हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स बनते हैं यानी बॉडी के वो पार्ट बनते हैं फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक लीवर किडनी हार्ट आंख ये हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स हैं और ये बॉडी के ऑर्गन्स जन्म से लेकर मृत्यु तक एक प्रॉपर चैनल में प्रॉपर वे में अपना काम करते हैं शरीर में जब एक प्रॉपर वे में काम करते हैं तो एक सिस्टम बनता है और उसी सिस्टम को हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं एक मानव शरीर कहते हैं अब थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं अपने बॉडी को इंटरनल तरीके से उसे फील कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेन्स हमारे किडनी ब्लड प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं हमारे हार्ट पंप कर रहे हैं ब्लड को हमारी आंखें देख रही है ये सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं तो चूंकि कोशिकाएं एक जीवित है तो उन्हें एक ऊर्जा चाहिए एक भोजन चाहिए अगर उन्हें वो एनर्जी न मिले उन्हें वो भोजन न मिले तो सेल्स से ये डेड कर जाएंगे और बॉडी के सिस्टम खराब होके ऑर्गन्स खराब हो के वीक होके, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे और जब हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स प्रॉपर वे में वर्क नहीं करते हैं, तो हेल्थ चैलेंज कहलाता है तो हमें जरूर अपने प्रॉपर वे में ऑर्गेंस को वर्क करने की चीज़ों को समझना है क्योंकि ये शरीर हमारा है, हमारे पड़ोसी का नहीं है तो इसे केयर भी हम ही को करना है और केयर करने के लिए हमें इस बॉडी को पोषक तत्व देने हैं जिन्हें हम न्यूट्रेंट करते हैं एक्चुअली न्यूट्रेंट का जो काम है वो मुख्यतः हमारे शरीर में चार तरह का काम करता है जो न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारे बॉडी को वो चार तरीके से हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं एक तो एज ए फ्यूल के रूप में वो एनर्जी देते हैं दूसरा उस न्यूट्रिशन का काम है हमारे बॉडी में जो हम पर डे वर्क करते हैं जो हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं सेल्स डैमेज होते हैं उसे वो रीजनरेट करने में काम करते हैं तीसरा इसका काम है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करना जिसे हम जो हजारों तरह के बाहर के बैक्टीरिया, और वायरस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है ना वो भी हमें न्यूट्रिटेंट से ही मिलता है पोषक तत्वों से ही मिलता है तो हम ये बात को समझ गए कि ये चीजें हमारी बॉडी को एक एनर्जी देता है यह हमारी बॉडी को पूरी तरह से अंदर से इम्यूनाइजेशन को बढ़ा देता है इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और तीसरा हमारी रिफिंग का काम करता है और ये सारा न्यूट्रिएंट जो है वो हमें डाइट से मिलता है हमें भोजन से मिलता है मुख्यतः जो न्यूट्रिशन होते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो लगभग छह प्रकार के होते जो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट है उन छह के वर्गीकरण में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं हमारे बॉडी को जो पोषक तत्व चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट है जिसे ग्लूकोज ये सारी चीजें बनती है सेकेंड में हमारे पास प्रोटीन है थर्ड में हमारे पास फैट है फोर्थ में हमारे पास विटामिन का एक समूह है फिफ्थ में हमारे पास एक मिनरल्स का समूह है और छट्टा में हमारे पास वाटर है ये छह चीजों का ही हमारा फ्यूल है जिसे हमारी पूरी बॉडी जीवित रहती है पूरी बॉडी हेल्दी रहती है अब बात हम यहां पे करना चाहते हैं कि एक हेल्दी बॉडी को यह पूरी तरह से एक बेहतर लेवल में मिलना चाहिए जैसा कि हम सभी जानते हैं आज से सौ साल पहले का जो मानव जीवन था और आज की परिस्थिति का जो मानव जीवन है अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि आज से सौ साल पहले हमारे जो पुराने लोग थे वो लोग एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते थे और आज हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हेल्थ चैलेंज को देख रहे हैं इसमें जो रीजन समझ में आ रहा है वो एक आ रहा है कि हम अपनी बॉडी का ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल कर रहे इस एनर्जी को हम ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल कर रहे हैं और जबकि इसे जो एनर्जी जो पोषक तत्व देना है वो बेडलक हम मिनिमम लेवल पे दे रहे हैं एक तो डिफिशेंसी हम न्यूट्रिशन की कर रहे हैं साथ में उसके साथ बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स ले रहे हैं जो हमारे सेल्स टिश्यू को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं आज हम बात करते हैं कि आज हम पहले जो काम हम लोग करते थे वो सुबह सात बजे आठ बजे से लेकर शाम छह बजे सात बजे तक सौ साल दो सौ साल पहले वो काम उससे ज्यादा बॉडी का हम लोग यूज नहीं करते थे आज के परिप्रेक्ष्य में देख लें हम सुबह तीन बजे चार बजे से हमारी बॉडी का इस्तेमाल स्टार्ट होता है हमारी एनर्जी खर्च होनी शुरू होती है और पूरे दिन भर भाग दौड़ करके आठ नौ बजे ऑफिस से आना फिर आके कुछ मेल कुछ नेट्स ये सारी चीजों को चेक करते करते डेढ़ से दो बज जाना यानी कि हम अपने दिमाग का जो छह घंटा, आठ घंटे बदले हम अपने दिमाग के एनर्जी का बाईस घंटे बीस घंटे इस्तेमाल करने रहे लगातार हम अपनी आंखों को बीस घंटे बाईस घंटे लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने लीवर हम अपनी किडनी अपने पूरे बॉडी के ऑर्गेन्स को एनर्जी तो कम दे रहे हैं लेकिन हम उसका दोहन ज्यादा कर रहे हैं और उसी का नतीजा है हमारी बॉडी की वीकनेस उसी का नतीजा है हमारे अंदर की कुछ हेल्थ के इश्यूज तो पॉइंट तो ये है कि आज के डेट में जिस भागदौड़ जिस ड्रीम के लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसके लिए तो हमारे बॉडी का ऑप्टिमम लेवल का इस्तेमाल जरूरी है हम उसे रोक नहीं सकते हैं हम सुबह छः बजे से लेकर दस बजे रात तक काम करना ही करना है लेकिन अगर हम जिस गाड़ी को पूरे अट्ठारह घंटे चला रहे हो क्या उसका फ्यूल हम आठ घंटे के लिए डालेंगे क्या उसकी सर्विसिंग क्या हम साल दो साल पांच साल बात करेंगे सिंपल एक सा एक उदाहरण है कि अगर जो फ्लाइट दिल्ली से मुंबई जा रही हो जितना उसमें फ्यूल लगेगा क्या सेम फ्यूल वही दिल्ली से यूएसए की फ्लाइट में लगेगा नहीं अगर उतनी फ्यूल लेके जाएंगे तो बीच रास्ते में वो ड्रॉप होके गिर जाएगा एक इंसान का स्वस्थ जिंदगी जो आयुर्वेद कहता है वो वो कहता है कम से कम सौ साल हम अपने बगल में जापान को देख सकते हैं रीजन क्या है रीजन सबसे बड़ा यही है कि हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जो न्यूट्रेंट हैं वो आज के डेट में उस डाइट से उस फूड से बिल्कुल कम हो गए आज के डेट में जो 20 साल 40 साल पहले जो हमें फूड से प्रोटीन जो मिनरल्स जो विटामिन्स जो कार्बोहाइड्रेट जो गुड क्वालिटी का फैट मिलता था हम सभी जान रहे हैं कि एक तो उसकी क्वालिटी कम हो गई साथ में उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई जब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाएगी तो महसूस कर सकते हैं हमारी बॉडी उसे फील करा देती है कि वास्तव में हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वास्तव में हमारी बॉडी में न्यूट्रेंट की कमी हो रही है घुटने हमारे थकने लग रहे हैं हम दस तरह के मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जा रहे हैं और वहाँ पे हमें न्यूट्रिशन की पावर की जरूरत है मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आम इंसान का जो डाइट चार्ट होना चाहिए क्या वही डाइट हम किसी बॉक्सर किसी स्पोर्ट्स मैन का देखते हैं नहीं क्यों क्योंकि उसे उस एनर्जी का ज़्यादा जरूरत है इसलिए उसे अपने डाइट में ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ें लेती है बात करते हैं हम एफ की हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वेलनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं लगातार जाते हैं लगातार पहुंच रहे हैं लोगों के पास और हम भी जा रहे हैं कि वहां पे बहुत सारी जगहों पे हाइजेनिक चीजें नहीं मिल पा रही है बहुत सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन फूड की क्वालिटी वो सब दिख रही है तो सबसे पहला मेरे हिसाब से जो जरूरत है हमारे वो खुद हमें अपने न्यूट्रिशन की जरूरत है खुद अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक न्यूट्रिशन की जरूरत है मैं हमेशा बोलता हूं कि जो फूड से हमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं फूड में जो क्वालिटी गड़बड़ हो रही है जो जो समाज कर रहा है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं हम उसे चेंज नहीं कर सकते हम आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है पूरे दुनिया को बदलने से बेस्ट है कि हम अपने आप को सुरक्षित रख लें जैसे हमने एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक मिनट के लिए एक राज्य में एक राजकुमारी थी एक दिन वो अपने महल से बाहर निकली उसके पैर में कांटे चुप गए परेशान हो गई उसने सारे लोगों को बुलाया अपने मंत्री को और बोला कि मेरे पैर में कांटे चुप गए हैं आप लोग कोई ऐसा उपाय करिए कि मैं जब दोबारा निकलूं तो मेरे पैर में कांटे नहीं चुभे सभी मंत्री लोग ने आपस में मंत्रणा करके बताया कि ऐसा करते महारानी जी कि इस राज्य में जितनी भी जमीनें हैं सबके ऊपर चमरे से कवर करा देते हैं इससे यह होगा कि आप जाएंगी और आपको कुछ चुभेगा नहीं राजकुमारी ने कहा बहुत सही चलो आप करो वो सारे चमरे को उन्होंने पैकिंग करने शुरू कर दिए तब तक बीच में बारिश हो गई और वो चमरे फूल के इन्फेक्शन और सरने लगे तब तक एक उनके जो प्रधानमंत्री थे वो आए उन्होंने कहा ये क्या किया उन्होंने कहा गुरु जी ये समस्या थी समस्या थी मेरे पाँव में कांटे चुभे थे इस जमीन के अंदर उन्हें कहा कि पूरे धरती को पाटने से बेहतर है कि आप अपने पाँव में एक जूती बना लो उसी तरह से हम पूरे दुनिया को बदलने से बेस्ट है कि हम अपने और अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए सप्लीमेंट के माध्यम से हम अपने न्यूट्रिशन को लेना शुरू कर दें और हमारी बॉडी में जितनी बेहतरीन न्यूट्रिशन जाएगी हमारी बॉडी उतनी ज्यादा सर्वाइव करेगी एक चीज हम लोग सोचते हैं जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि हमारी अकाउंट है किसी बैंक में उसमें एक लाख रुपए जमा है और वो एक लाख रुपए लगभग हमारे लिए सौ साल के लिए सफिशियंट है अगर मैं एक इनकम उसको सौ रुपए के हिसाब से खर्च करूं तो आराम से वो सौ साल चल जाएंगे लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम सौ रुपए खर्च करने के बदले पांच सौ हजार रुपए पर पर मंथ खर्च कर रहे हैं और उसमें जो डिपॉजिट करना है वो हजार रुपए के बैलेंस के बदला हम दो सौ से तीन सौ ही डिपोजिट कर रहे हैं अगर हम अपने अकाउंट में तीन सौ डिपॉजिट करके एक हजार खर्च करेंगे तो हमारी अकाउंट सौ साल नहीं चलेगी वो पांच से दस साल पंद्रह साल बीस साल तीस साल जाते जाते खत्म हो जाएगी हम बैंक करप्ट हो जाएंगे वो ही हमारी बॉडी के साथ है ईश्वर की कृपा है हम मानव शरीर में है कहते हैं चौरासी लाख योनि के बाद बहुत अच्छे कर्म के बाद ये हमारा शरीर मिलता है यही शरीर राम यही शरीर कृष्ण यही शरीर सारे महापुरुष जितने भी हुए सभी को यही बॉडी मिला और उन्होंने ईश्वर ने हमें यह अगर शरीर दिया तो साथ में इस शरीर की सुरक्षा की जवाबदेही भी हमें दी क्योंकि एक बार अगर हम अपने हेल्थ को खो देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत कोई भी दुनिया का इनकम हमारी उस हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकता है यह बिल्कुल बात ऐसी ही है कि जैसे किसी के घर में आग लग जाए उसने उस फायर सिस्टम को उसने डेवलप नहीं किया है मेंटेन नहीं किया है और उसके घर में आग लग जाए क्योंकि वो फायर सिस्टम वहाँ पे काम नहीं कर रहा था सिक्योरिटी नहीं थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड को हम फोन करते हैं, फायर ब्रिगेड आता है वो लोग बुझाते हैं आग को ठीक है उन्होंने दो घंटे चार घंटे मेहनत के बाद आग को बुझा दिया सिक्सटी परसेंट हमारा घर बच गया लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या फोर्टी परसेंट जो जल गया था क्या उसे हम दोबारा रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यही हेल्थ के साथ होता है हम अगर हेल्थ अवेयरनेस नहीं है हम अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हैं हम उसे अवॉइड कर रहे हैं तो बिल्कुल जो आपने मैंने एग्जाम्पल दिया था वो झोपड़ी और आग वाली वही हमारी बॉडी की हाल होगी आज जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम जान रहे हैं कि हमारे जो ट्रेडिशनल uh, फूड है उसमें उस न्यूट्रिशन की मात्रा सही नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं से अल्टरनेट न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा कहते हैं जिस जगह पे अगर आपकी बिजली की व्यवस्था सही नहीं है तो हम इन्वर्टर लगाते हैं वहाँ हम जनरेटर लगाते हैं अपने घर को रोशनी करने के लिए क्योंकि रोशनी हमारी जरूरत है उसी तरह से हमारे हेल्थ को बेस्ट रखना ये हमारी ज़रूरत है ये हमारी आवश्यकताएं हैं और इस आवश्यकता के लिए अगर हमारे डाइट में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है तो हमें कहीं ना कहीं सीरियस होके उस डाइट के सप्लीमेंट्री के बारे में सोचना होगा उस मिनरल्स उस विटामिन की जो डिफिशेंसी हो रही है उसे वक्त रहते उसे मेंटेन करना होगा और जब हम न्यूट्रिशन की, की बात करते हैं न्यूट्रेंट की बात करते हैं तो हम अमेरिका में न्यूट्रिशन बेस्ट खोजें हम जापान से खोजना शुरू करें हम इंडिया से खोजना शुरू करें कहीं से भी अगर वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशन हम तलाश करते हैं तो तलाश आके हमारे फॉर लिविंग प्रोडक्ट पे जाके समाप्त होती है वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे फॉर के पास है और रियली में हम लोग गुड लक हैं कि हम लोग फॉर के साथ हैं हमें कहीं खोजना नहीं है ऑलरेडी हम इसी खजाने के साथ हैं और कहते हैं कि हमारे विजनरी मैं बिल्कुल उन्हें याद करना चाहूंगा रेक्स सर उनको नमन है 1960-70 के दशक में ही उन्हें समझ में आ गया था कि जो आने वाला वक्त होगा वो न्यूट्रिशन का होगा आने वाला समाज जो जूझेगा वो हेल्थ चैलेंज से जूझेगा देन उन्होंने उसी समय दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन की सर्च करना स्टार्ट कर दिया और वो पूरी दुनिया तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए भी वो संकल्पित हो गए और उसका रिजल्ट है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट पेटेंटेड न्यूट्रिशन हमारे आर एंड डी के द्वारा रेगुलर हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो बेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी को ऑप्टिमम लेवल की एनर्जी ऑप्टिमम लेवल का रिपेयरिंग दे रहे हैं ऑप्टिमम लेवल की वो हमारे बॉडी के एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं हम थैंक्स कहना चाहेंगे और एक्चुअली इसी पे बात करते हुए मैं खुद ए, मेरा पर का डोज जो है वो आपके सामने है एलोवेरा जेल ये हमारी पिछले नौ सालों से रेगुलर इसका इस्तेमाल है और देखिए इस एलोवेरा जेल के साथ सबसे बेस्ट है हमारे आरजी प्लस एल आरजनी ये पॉकेट और बस करना कुछ नहीं है इस पॉकेट को फाड़ते हैं और इस एलोजेरा जेल में मिलाते हैं मिलाने के बाद ढक्कन को फिर से लगाते हैं सेक करते हैं और बॉडी को एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ जो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है उस एनर्जी को पुनः से रिकवर करने के लिए ऐसे लगाएं हमने इसे इस्तेमाल किया ये हमारी पावर ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास एलोवेरा जेल है हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट एल आर्जिनिन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है हमारे पास आर्कटिक सी है अगर हम अपने दिमाग का सबसे मैक्सिमम अगर इस्तेमाल करते हैं ये सारी प्रोडक्ट जो है ना वो यूनिक है और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में दो तरह के सेक्टर हैं एक सीखने से एक वेलनेस से दस परसेंट ही सीखनेस में न्यूट्रिशिकल्स कंपनी आती है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आती है और हमारे पास नब्बे परसेंट जो है वो न्यूट्रीशिकल्स कंपनियां हैं और ये नब्बे परसेंट जो है ये वेलनेस जो न्यूट्रिशन की दुनिया है ना ये किन के लिए है ये उस व्यक्ति के लिए हमारे न्यूट्रिशन है ये एलोवेरा जेल ये आर प्लस ये ये आर्टिक सी ये हमारी हनी उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो सबसे ज़्यादा फिजिकली और मेंटली वर्क करते हैं ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है ये हमारे प्रोडक्ट हमारे बैंक में जो मैनेजर जो जो वर्क करें जो ऑफिस है स्टाफ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे प्रोडक्ट उनके लिए एक एक अमृत के समान है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए 18 घंटा 20 घंटे 22 घंटे काम कर रहे हैं 22 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के चक्कर में वो नॉर्मल डाइट भी नहीं ले रहे हैं हमारे पास रॉयल जेली हमारे ये प्रोडक्ट उनके लिए बने हुए हैं और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास दो गाड़ियाँ हैं एक गाड़ी आपके वर्कशॉप में डैमेज होके मरम्मत के लिए पड़ी हुई है और एक गाड़ी आपके ऑफिस यूज के लिए आ रही है और तो आप उस फ्यूल को जो आपको डालना हो वो किस में डालना पसंद करेंगे आप हमेशा जिसे आप यूज कर रहे हैं जिस गाड़ी को उसकी प्राथमिकता ज़्यादा देंगे हमारी जो प्रोडक्ट है वो दुनिया के लिए इसलिए बेस्ट है कि हम उन्हें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करना है वो हमें करना है वैसे हेल्दी लोगों पे जो ऑप्टिमम लेवल पे अपने ऑर्गन्स का यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और मिनिमम लेवल पर उन्हें डाइट से न्यूट्रिशन मिल रहा है अगर हम उनके डाइट के साथ ये न्यूट्रिशन अटैच कर दें तो फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल फीलफुल हो जाएगी और एक वो हेल्दी लाइफ गुजारेंगे और उस हेल्दी लाइफ के साथ साथ वो हमारे लिए एक दुआ करेंगे और मैं हमेशा कहता हूँ कि आ, मेरा जो बिलीव हुआ उस न्यूट्रिशन पे बिलीव हुआ जो फैमिली में आया और एज ए करियर मैंने इसे अपना लिया और फॉर ने केवल मेरी फैमिली को बिल्कुल मैं कहता पूरे एफ को केवल इन्होंने हमें हेल्थ से ही सिक्योर नहीं किया हमें वेल्थ से भी सिक्योर कर दिया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिहार से चल के डेली पहुंचूंगा ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है ये पावर ऑफ फॉर एवर है जिसने आज दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में खुद के घर में बैठ के मैं लाइव सेशन दे रहा हूं ये रियली में एक दूसरा जन्म है एक दूसरी जिंदगी है और हम समझ चुके हैं कि आज हम कुछ पॉइंट्स पे जो बात किए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर लें एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि शरीर सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स सिस्टम और इसके लिए क्या चाहिए हमें न्यूट्रेंट और न्यूट्रेंट के लिए क्या चाहिए क्योंकि हमारे पास फूड से नहीं मिल पाते जो तो छह तरह के न्यूट्रेंट होते हैं जैसे मैंने बात किया था आपको कार्बोहाइड्रेट पे फैट पे प्रोटीन पे मैंने बात किया था मिनरल्स पे मैंने बात किया था विटामिन पे और जिसकी डिफिशेंसी से संबंधित चीजें थक जा रही है अगर विटामिन ए की डिफिशेंसी हो रही है तो कहीं कही ना कहीं हमें आंखों की चैलेंज आ रहा है अगर विटामिन डी की डिफियंसी हो रही है तो कहीं कही ना कहीं हमें हड्डियों के चैलेंज आ रहे हैं ये हमारी बॉडी खुद बता दे रही है कि हमारी जो एनर्जी पावर है बिल्कुल कम है तो जै, ये जैसे ही फील होना शुरू हो रहा है तो हमें सबसे पहले इस सप्लीमेंट के साथ अपने आप को अटैच कर लेना है अपनी पूरी फैमिली को अटैच करना है अपने पूरे नियर एंड टीयर को अटैच करना है और एक स्वस्थ जिंदगी स्टार्ट करना है जैसे कहते हैं सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतु सर्वे संतु सुखमया, यानी कि सभी लोग सुखमय हों सभी लोग मंगलमय हों सभी लोग आरोग्य वाले हों सभी लोग अपनी जिंदगी को बेस्ट करना चाहते हों और मुख्यतः ये चीज़ एक पॉइंट में मैं हमें अपने शब्दों को विराम दूंगा कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए अनमोल है क्योंकि हमारा शरीर कीमती है प्रेसियस है तो हमारे इस शरीर को एक कीमती चीज़ एक वो बेहतरीन वर्ल्ड बेस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए थैंक यू थैंक यू और थैंक यू वेरी मच